मतदाता जागरूकता शपथ ग्रहण एवं कोविड टीकाकरण का कार्यक्रम चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक की अध्यक्षता में MSI इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर संपन्न हुआ। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने विभिन्न विद्यालय के छात्र व छात्राओं को 3 मार्च को होने वाले मतदान के लिए जागरूक मतदाता का शपथ दिलाया, जिसके संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि जनपद के विभिन्न विद्यालय के छात्र व छात्राओं को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाया गया तथा इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि बच्चों के माध्यम से उनके अभिभावकों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा सके, जिससे कि सभी लोग 3 मार्च को अपने घर से निकलकर ज्यादा से ज्यादा मतदान में भाग ले सके। उन्होंने कहा, छात्राओं के द्वारा मतदान के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सभी लोगों को जागरूक किया गया है और आगे भी जनपद के सभी 3 लाख बच्चों को जागरूक करके सभी अभिभावकों को मतदान के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस अवसर पर CDO इंद्रजीत सिंह, विधानसभा चुनाव के प्रेक्षक सहित भारी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, निकलनी चाहिए गहराई में और ये गूंज गोरखपुर के अंतिम गांव तक जानी चाहिए और आपके माध्यम से पूरे जनपद में संदेश पहुंचना चाहिए। तो दिल से ये शपथ लेंगे, हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। जागो 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 नौजवान साथियों, करो मतदान मेरे देशवासियों, सारे अधिकार इस मत की बदौलत, इसी को मात्र किसी को बता दो। जागो
जागो जागो जागो जागो जागो नौजवान साथियों, करो मतदान मेरे देशवासियों, मतदाता मतदान हमारे लोकतंत्र का मूल है, मतदाता मतदान हमारे लोकतंत्र का मूल है, इस दायित्व से दूर भागना बहुत बड़ा एक भूल है, इस दायित्व से दूर भागना बहुत बड़ा एक भूल है, यदि हम हो खुद और देश का भाग्य विधाता बनना है, याद रहे सबसे पहले हम हो मतदाता बनना है, इस मतदान का महत्व खुद समझो और जो न समझे उसे समझाओ, जागो 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 नौजवान साथियों, करो मतदान मेरे देशवासियों। अरे तो आप वोट देने चाहिए, मैं वो बापू जी तो बाद में आएंगे, आप वोट देकर आइए उसके बाद खासदार में चली जाइएगा। खासदार क्या है तो हम बहुत थक जाए, ओके बाद अगर हमारी तबीयत खराब हो जाए तो सरकार आएगा हमारी इलाज कराने। अरे अम्मा इस साल से वोट देने का समय शाम 6 बजे तक है, तो आप शाम को चले जाइएगा वोट देने। नहीं बेटा, वोट देवे ना जाए तो अरे बाबूजी के साथ हम भी जाएंगे, बा ना जाए तो बतावा हम घास ना काटा तो खाएंगे कैसे मिली हम। कहा जाता केहू कहीं ना जाए, तू वोट देवे ना जेबू तू हमारे साथ घास काटे चलो। क्यों बाबूजी, ये तो हमारा कर्तव्य है वोट देना, तो अगर हम आप तो शुरू से गांव में रह रहे हैं, अगर वोट देने नहीं जाएंगे तो जैसे गांव का दशा है वैसे गाँव ही वोट देंगे। हाँ वो हमके पैसा दी है खाए के लिए का अपना ही सब करेगा। अरे बाबूजी लेकिन वोट देना भी जरूरी है, आप लोग समझिए मेरी बात। मुंडली समझा दे कि जब से स्कूल जाए लगल तब से कुछ जाने का पटक पटक कर दिया। हम और देखते हैं जब से स्कूल जाए लगल दिया बहुत पटक पटक बोले दिया। एक मसला है कि ये कौन सिखावे लिखा कि घर पे जबान लड़ाए तो पटक पटक कर। चलो आप ठीक है, चलो वोट देने चलते हैं। अरे यार क्या फालतू में टाइम वेस्ट करने, वोट डालने जाएंगे, चलो कहीं घूमने चलते हैं। भैया आप वोट देने क्यों नहीं जाएंगे, आपको तो वोट देने जाना चाहिए, माँ बापू नहीं जा रहे कम से कम आप तो वोट देने जाइए। पहले माँ बापू का सर खा रही थी, अब मेरा सर खा रही है, टीचर से दो बात क्या सीख ली लगी लग जाने। और भैया आप तो पढ़े लिखे आपको पता है महत्व क्या है वोट देने का, तो आपको तो जरूर जाना चाहिए वोट देने। जब 18 साल की हो जाना तो जहाँ जी पे आएगा वहाँ जाकर के वोट डालना, अभी जाओ यहाँ से। हे भगवान मैं कैसे अपनी बात समझाऊं, इन लोगों को तो समझ ही नहीं है भाई। हाँ यहाँ से छोड़ो, व्यवस्था कराई गई है, और यहाँ तक कि इस बार एक नई सुविधा भी हमें प्रदान की गई है कि 80 से जो अधिक उम्र के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, विकलांग हैं, उन्हें घर पर मतदान देने की सुविधा दी गई है। पता है इसमें क्या करना है, इसमें इस फॉर्म भर के 12D फॉर्म भर के अपने पीएलओ को देकर आप पोस्टल बैटल के माध्यम से मतदान कर सकते हैं, और यहाँ तक कि ये पूरी बात जो होती है वो गोपनीय रखी जाएगी। ये तो बहुत बढ़िया बात बाब, हम वोट डाले जाए। हाँ क्यों नहीं, देखिए जब ये विकलांग होके बुजुर्ग होके वोट डालने जा रहे हैं बिना अपने स्वास्थ्य की चिंता किए वोट डालने जा रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं, आप लोग को भी निश्चित होकर मतदान करने जाना चाहिए। हाँ हम भी चलेंगे। चलो साथियों चलो रे बंधु, चलो साथियों चलो।
साथियों चलो रे बंधु फर्ज निभाना है, मतदाता सूची में अपना नाम बढ़ाना है। चलो साथियों। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, मैं यहाँ पे मुख्य विकास अधिकारी के पद पे तैनात हूँ और आज मैं बहुत कम समय लूँगा, दो चीज़ों पे मुझे बोलना है। लेकिन मैं पहले हमारे जो मंचासीन है वह उनका स्वागत करते हुए श्री संदीप नंदूरी सर, श्री डीडी जडेजा जी सर, कैप्टन प्रदीप शौर्य आर्या जी सर, श्री जे प्रेमानंद सर, श्री कारी गौड़ा सर और डॉक्टर नवनीत मोहन कोठारी सर और महबूब सईद प्रबंधक इस्लामिया कॉलेज और जिलाधिकारी महोदय और सभी अध्यापकगण जो मंचासीन है और जो इस कार्यक्रम को पूर्ण करा रहे हैं और प्यारे बच्चों, आज हम सब लोग यहाँ पे जो एकत्रित हुए हैं उसका एक मकसद है, गोरखपुर में जो इस बार वोटिंग परसेंट है वो हमें बढ़ाना है। पिछले चुनावों में ये देखा गया है कि हमारा 56% के करीब वोटिंग परसेंट हुआ है, इस साल बढ़ा के कम हमें इसको 70% लेके जाना है। इसीलिए आप लोगों को हम लोग यहाँ लाए हैं। आप में से कुछ पहली बार वोट डाल रहे होंगे लेकिन आप सबके घरों में कोई ना कोई जरूर वोट डाल रहा होगा, तो हमें आप सबसे ये प्रतिज्ञा चाहिए कि आप लोग जो भी आपके घर में वोट डाल रहे हैं उनको 3 मार्च के दिन वोट डालने के लिए जरूर भेजें। और इसके लिए कोई आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि हमारे मंचासीन जो इलेक्शन कमीशन द्वारा हमारे पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर्स को भेजा गया है बहुत ही सीनियर ऑफिसर्स हैं, अपनी फील्ड में बहुत ही माहिर हैं, तो इनकी ऑब्जर्वेशन में इन सारे ऑब्जर्वर्स के अंडर ये इलेक्शन कराए जा रहे हैं। इसके साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस प्रोवाइड की गई है, तो मैं चाहूँगा कि सारे बच्चे अपने परिवार में अपने माता पिता को शपथ दिलाएं कि इस बार वोट जरूर डालेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। मैं सर्वप्रथम मंचासीन हमारे सभी सम्मानित वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे प्रेक्षकगण जो यहाँ पधारे हुए हैं उनका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए। यहाँ पे उपस्थित मेरे साथी अधिकारीगण, मुख्य विकास अधिकारी, सीएमओ साहब, प्रधानाध्यापकगण, केंद्र व्यवस्थापकगण और सबसे अहम हमारे सभी छात्र छात्राएं, आप सबसे मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूँ। कितने लोगों को गर्व है कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र है, सबसे बड़ा प्रजातंत्र है और सबसे तेजी से विकास करने वाला देश में से एक है? कितने लोगों को गर्व है? फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हो रही है, हाथ नहीं उठ रहा है। कितने लोगों को गर्व है कि सबसे ज्यादा युवाओं का देश हमारा देश है? और अभी इस गर्व का जो एहसास हमें होता है और ये जो जज्बा हमें देखने को मिलता है, जो ऊर्जा हमें देखने को मिलती है, वो 3 मार्च को वो वोटिंग बूथ पर उतरना है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने गंतव्य में, अपने अपने आवास पे, अपने परिवार, अपने अभिभावकों से संपर्क स्थापित करें। इसीलिए आज इस गोष्ठी का मकसद है, इस आयोजन का मकसद है और आपके माध्यम से हम 3 लाख से ज़्यादा बच्चे जो इस जनपद में विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ रहे हैं उनसे आग्रह करना चाहेंगे और ये लगातार ये सिलसिला अगले 1 महीने तक हम करते रहेंगे कि सभी बच्चों से माध्यम से अभिभावक तक संपर्क स्थापित करते हुए आपकी जिद, आपका जज्बा, हम जो भी खट्टरपंथ है जो अभी तक वोट नहीं कर रहे हैं, जो मन नहीं बना पा रहे हैं, जिनको अपने दायित्वों का एहसास नहीं है, जिनको अपने अधिकार का एहसास नहीं है कि अगर सबसे दुरुस्त गांव, सबसे कमजोर वर्ग का आदमी भी जो उस 3 मार्च को जाके अपने बूथ पे वोट डालेगा वो हमारे प्रजातंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी नींव है, इसको हमें एहसास करना है। और हमें सबसे ज्यादा विश्वास आप पे है कि क्योंकि मैंने देखा है पिछले अभियानों में जहां बच्चों ने जिद पकड़ ली, अपने अभिभावकों से किया कि मेरे सपनों के लिए, अपने सपनों के लिए, हम जानते हैं अभी जैसे कुछ बच्चों ने प्रतिभा दिखाई अपने
हुनर को हमारे सामने प्रदर्शन किया। इन सपनों आपके सपनों के आधार पर ही गोरखपुर और हमारे देश का हमारे प्रदेश का भविष्य विकसित होगा। और उसके लिए सबसे मूल बात यह है कि हमें अपने सरकारों को चुनना है, हमारे जनप्रतिनिधियों को चुनना है, अच्छी नीतियां बनना है, तभी अच्छा विकास होगा, अवस्थापना बढ़ेंगी, आपके लिए अवसर की समानता रहेगी, आपके लिए अवसर बढ़ेंगे और रोजगार के विभिन्न विभिन्न आयाम आपके सामने खड़े होंगे। और हर बूथ पर हम लोग भारी मात्रा में फोर्स लगा रहे हैं, किसी को असुरक्षा की भावना की जिज्ञासा रखने की जरूरत नहीं है। और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से तीन अलग अलग ऑब्जर्वर्स हैं। वी विल मेक श्योर दिस इलेक्शन इज फ्री एंड फेयर फॉर ऑल ऑफ यू। एंड हमारा कॉन्टैक्ट नंबर्स आप सबको वेबसाइट्स और एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा मीडिया में दिया चुका है। मैं सिविल सर्विसेज के पहले मैं खुद टीचर था। आई बीन टीचिंग एंड इट फील्स सो नाइस आपको देख के ये पूरा गैदरिंग में वो इलेक्ट्रिफाइंग कॉन्सेप्ट ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आप लोग यू पुट इन योर हार्ट एंड सोल इनटू दिस। मैं आपसे ये आश्वासन देना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और चुनाव आयोग से दैट कोई भी एनी अदर इश्यूज एसोसिएटेड इलेक्शन एंड वोटिंग यहाँ गोरखपुर में नहीं होगा। नो इश्यूज नो इवेंट्स विल बी विच इज नॉट इन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट विल टेक प्लेस योर। एंड हम सब ऑब्जर्वर्स सुबह 7 बजे निकल जाते हैं हमारे गेस्ट हाउस से। वी आर मेकिंग श्योर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इज बीन चेक्ड एंड जब हम वापस आते हैं इट्स ऑलमोस्ट 1:32 इन द मॉर्निंग जब हम वापस आते हैं। एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ भी एनी लोगों ने शॉर्टकमिंग्स है वो तुरंत उनको उसको देखते दे चेक इट एंड इंश्योर दैट इट इज उसका आपने पालन किया या नहीं किया। तो आपसे हम भी ये अपेक्षा करते हैं इतना अच्छा कार्यक्रम रखा हुआ है। आज विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के बच्चों को और हमारे युवा छात्र छात्राओं को यहाँ पे एकत्रित करते हुए उनको शपथ दिलाया गया। मतदाता जागरूकता के बारे में सभी प्रेक्षकों के अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न कराया। बहुत ही भव्य कार्यक्रम था और बहुत ही ऊर्जा के साथ संचार होते हुए यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया। उद्देश्य ये है कि इन बच्चों के माध्यम से उनके अभिभावक तक संवाद स्थापित किया जाए, मोहल्लों में वो संवाद स्थापित करेंगे और सभी को 3 मार्च को मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। कितनी भी व्यस्तता हो कितनी भी बाधाएं हो उस दिन वोट करने से नहीं छूटना है। इसी बात का संदेश हम इन बच्चों के माध्यम से अपने अपने मतदाताओं को तक पहुंचाना चाहते हैं। नुक्कड़ नाटक भी हाँ यहाँ बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति की और उनकी प्रस्तुति में बहुत लोगों का यहाँ अच्छा माहौल भी बन गया। और इसी तरह हम हर इंटर कॉलेज में हमारे जो 3 लाख से ज़्यादा बच्चे हमारे शैक्षणिक संस्थाओं में इस जनपद में पढ़ रहे हैं उनके माध्यम से हम सभी हमारे 35 लाख से ज़्यादा मतदाताओं तक पहुँच कर उनको मतदान के लिए प्रेरित करने का हम लोग ये अभियान चला रहे हैं।